मुंबई शहर में चोरियां बहुत बढ़ गई थी। हर दिन एक चोर किसी घर में चोरी कर रहा था। पुलिस चोर को पकड़ नहीं पा रही थी। पुलिस ने हार मान के डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाया। डिटेक्टिव मेहुल चोरी हुए घरों को मैप्स में देखता है तो उसे समझता है कि चोरी पहले हाउस नंबर 1 में हुई, फिर 4, 9, 16 और 25 में हुई। वो समझ जाता है कि अगली चोरी कहाँ होने वाली है। कैसे, क्या आप बता सकते हैं अगली चोरी कहाँ होने वाली है? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। अगली चोरी घर नंबर 36 में होगी। अगर आप देखेंगे तो नंबर स्क्वायर्स में है। पहला 1 square, फिर 2 square, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो अगला हो जाएगा 6 square, मतलब 36। मेहुल और गणपत हाउस नंबर 36 में पहले से पहुंच जाते हैं। चोर आता है और मेहुल उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस ऑफिसर जेम्स बहुत ही अकड़ू था। एक दिन उसका मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। उसे जेम्स के पास से एक क्लू मिलता है। क्लू से कुछ खास समझ नहीं आता है। मेहुल को 3 लोगों पे शक जाता है। क्लीनर वेद, कैदी डैन और दूसरा पुलिस वाला राम। क्लीनर बताता है कि मैं तो सफाई कर रहा था। इंस्पेक्टर जेम्स मुझे हमेशा डांटते रहते थे लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। कैदी बताता है कि इंस्पेक्टर बड़ा ही घमंडी था और सबको गालियां देते रहता था, सबको जेल में डाल देता था, लेकिन सच्ची मैंने मर्डर नहीं किया है। दूसरा इंस्पेक्टर कहता है, मैं तो बाहर गया था, मुझे कोई आइडिया नहीं है। डिटेक्टिव मेहुल क्लूज को वापस देखता है और समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे, क्या आप बता सकते हैं खूनी कौन है? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। खूनी वेद है। जेम्स ने क्लू में जो अल्फाबेट लिखे थे उसमें +1 कर दीजिए। यू के बाद वी आता है, डी के बाद ई और सी के बाद डी, तो ये हो जाएगा वेद। मेहुल तुरंत वेद को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन का मुंबई के एक बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। वहां रोहन बहुत नए नए लोगों से मिलता है। तभी वो सना से भी मिलता है और पहली नजर में उसे सना से प्यार हो जाता है। लेकिन सना रोहन को बिल्कुल भाव नहीं देती और कहती है कि उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है। रोहन दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन जब सना और उसका बॉयफ्रेंड कॉलेज से आ रहे होते हैं तो कुछ गुंडे उन्हें घेर लेते हैं। गुंडों को देख उसका बॉयफ्रेंड वहां से भाग जाता है। सना डर जाती है। गुंडे उसका फोन छीन लेते हैं, उसका पर्स छीन लेते हैं। तभी वहां से रोहन भी गुजर रहा होता है। उसका ध्यान सना पे जाता है। वो तुरंत वहां पहुंच जाता है, गुंडों की बहुत पिटाई करता है। गुंडे चिल्लाने लगते हैं, बस बस अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अरे इतना भी मत मारो रोहन हमें। रोहन गुंडों की बहुत पिटाई करता है और गुंडे वहां से भाग जाते हैं। सना बहुत गुस्से में आ जाती है और रोहन से कहती है कि अब से मुझसे कभी बात मत करना। क्यों, रोहन ने तो सना की जान बचाई, फिर सना क्यों रोहन पे गुस्सा हो गई? क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? चलिए इसका आंसर देखते हैं। गुंडे रोहन के भेजे हुए ही थे क्योंकि एक गुंडा चिल्लाता है, रोहन इतना भी मत मार मुझे। गुंडे को रोहन का नाम कैसे पता चला? वहीं सना को समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मुंबई में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा था। सना ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत जाती है। करीब 10 बजे कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद सना वॉशरूम जाती है। वॉशरूम में सना का मर्डर हो जाता है। मर्डर को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मेहुल 2 चीजें ऑब्जर्व करता है। पहली, सना का क्राउन गायब है और दूसरी, सना की वॉच टूट गई है, मतलब सना और मर्डरर के बीच हाथापाई हुई है। वॉच में 10:04 हुए हैं, मतलब अराउंड उसी टाइम सना का मर्डर हुआ है। मेहुल 3 लोगों से पूछताछ करता है। पहली कंटेस्टेंट, वो कहती है, सर मैं तो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फोटोज ले रही थी, ये देखिए मेरे फोटोज।
कैमरामैन कहता है, सर मैं तो यहीं सारे कंटेस्टेंट्स के फोटो ले रहा था, मुझे मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है। ऑर्गेनाइजर कहता है, सर मैं तो मेरी वाइफ से बात कर रहा था, ये देखिए मेरा फोन, मुझे भी मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है। तीनों की बातें सुनने के बाद और क्लूज को समझने के बाद मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन खूनी है। ध्यान से क्लूज को देखिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सना का मर्डर अराउंड 10:04 पे हुआ। कंटेस्टेंट का फोटो 10:04 का है, मतलब उसने मर्डर नहीं किया होगा। ऑर्गेनाइजर भी अपनी वाइफ से उसी टाइम बात कर रहा था, मतलब उसने भी मर्डर नहीं किया होगा। और कैमरामैन का फोटो भी 10:04 का है, लेकिन उस फोटो में सना भी है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? मतलब ये कैमरामैन झूठ बोल रहा है, उसने टाइम एडिट किया है, वही वो पकड़ा जाता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके सामने ये पिज्जा है, मैं पिज्जा को पिज्जा बॉक्स ए में रख रहा हूँ। अब मैं इन्हें घुमाऊंगा, आपको बताना है ये वाला पिज्जा बॉक्स कहाँ रहता है। ये थोड़ा टफ है तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब मुझे कमेंट में बताइए पिज्जा कौन से बॉक्स के अंदर है। जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। मैं इसका आंसर आपको लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन ऑफिस ट्रिप के लिए बाहर जाता है, तभी धमाका सिंह उसकी वाइफ को किडनैप कर लेता है और अपने लैब में लेके चले जाता है। वो रोहन को मैसेज करता है कि 1 करोड़ रुपए मुझे ला के दो, नहीं तो मैं तुम्हारी वाइफ को एनिमल बना दूंगा। रोहन तुरंत ट्रिप से वापस आ जाता है और 1 करोड़ रुपए लेके धमाका सिंह के पास पहुंच जाता है। धमाका सिंह कहता है कि तुम्हारी वाइफ के मैंने 4 क्लोन्स बना दिए हैं, सब में कुछ डिफेक्ट है, अपनी वाइफ पहचानो और लेके जाओ। रोहन ध्यान से 5ों को देखता है और अपनी वाइफ को पहचान लेता है। क्या आप बता सकते हैं रोहन की वाइफ कौन सी है? ABCDIE? ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। रोहन की वाइफ को दिल नहीं है तो फर्स्ट वाली नहीं है, सेकेंड की फिंगर मिसिंग है, थर्ड की नोज मिसिंग है और फोर्थ की आईब्रोज मिसिंग है, तो फिफ्थ वाली रोहन की वाइफ है। रोहन पहचान लेता है और उसे लेके चला जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज है जिसकी परछाई नहीं होती। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। और इसका सही जवाब है सड़क, रोड, रोड की परछाई नहीं होती। चलिए अब मुझे बताइए ऐसी क्या चीज है जो जून में होती है दिसंबर में नहीं, आग में होती है लेकिन पानी में नहीं। सोचिए सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है गर्मी। आपके एक पैर में आइस है, दूसरे में वुड है और तीसरे में लोहे के बार्स है। आपको ये जलते कोयलों के ऊपर से चलना है, तो क्या आप बता सकते हैं तीनों में से आप कौन सा तरीका चुनोगे, आइस का, वुड का या लोहे का? ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपने लोहा चुना तो लोहा तुरंत गर्म हो जाएगा और आप उसे पहन के चल नहीं पाओगे, तो लोहे से आप क्रॉस नहीं कर सकते, आप वुड पहन के क्रॉस कर सकते हैं। वुड बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है,
तो गर्माहट आपके पैरों तक नहीं पहुंचेगी। आप आइस लेके भी क्रॉस कर सकते हैं। हीट के वजह से आइस वेपर्स बन जाएंगे, आपके पैरों और कोयलों के बीच में वो वेपर्स आ जाएंगे, तो उसके वजह से आपको गर्माहट नहीं लगेगी और आप पार कर लेंगे। तो आइस और वुड से आप कोयलों को पार कर सकते हैं। चलिए अब पिज्जा बॉक्स वाले का आंसर देख लेते हैं, और पिज्जा है बॉक्स ए के अंदर। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।